Hi kids. Hi sir. Some patterns are given below on the left side of the red line. For each pattern, write the rule. Then choose what comes next from the right side of the line and take it. Okay? अब देखो, यहाँ पर तीन figures बने हुए हैं. Yes sir. ठीक है. अब इनमें ये किसी pattern से घूम रहे हैं. पहले तो आपको ये बताना है कि ये कितने कितने degree पे घूमे हैं. ठीक है? हाँ, कितने degree पे घूमा है ये? 45. ठीक है. पहले ये ऐसा था, फिर ये 45 डिग्री पे यहाँ घुमा, फिर 45 डिग्री पे ये घुमा. अब कहाँ जाएगा ये? यहाँ पे. यहाँ पे? यहाँ पे. कितने डिग्री का रोटेशन है ये? 45. अब देखो ये ब्लू था. यस सर. ये कितने डिग्री पे घुमा है? 90. कितने? 90. देखो ये था, ये कहाँ घुमा? ये ऐसे. कितने डिग्री का एंगल बनाए? 90 डिग्री का. अब देखो लास्ट में ये था, अब कहाँ जाएगा ये? अब देखो ये पहले ये इधर था, अभी इधर चला गया. कितने डिग्री पे घूमा? 90. फिर ऊपर कौन सा वाला? कितने डिग्री पे? 90. पहले ये देखो, अगर हम इसको ऐसे ब्रेक कर लें, ठीक है, तो पहले इधर था ये, फिर इधर आ गया. यस सर. फिर ये नीचे आ गया. फिर अब ये फिर ऊपर चला गया. तो 90 डिग्री पे ये टोटल घूम रहा है. टोटल कितने डिग्री पे घूमेगा फिर ये? 36. नहीं, पूरा घुमाने के लिए कितने डिग्री घुमाना पड़ेगा इसे? पूरा घुमाने के लिए 360. कितना? 360. अब देखो ये पैटर्न्स देखो, ये देखो पहले टॉप में था. यस सर. फिर ये कहाँ आया? कितने डिग्री पे घुमा ये? 90. ये अब देखो ये क्लॉकवाइज घूम रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज? हाँ, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, जबकि ये सारे क्या घूम रहे थे? क्लॉकवाइज. अब देखो एंटी क्लॉकवाइज घुमाई 90 डिग्री इधर की तरफ, फिर 90 डिग्री इधर की तरफ, फिर 90 डिग्री इधर की तरफ. अब ठीक है, कितना? 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज. अब बाकी ये सारे क्या थे? क्लॉकवाइज. मार्क दैट पिक्चर विच इज ब्रेकिंग द रूल आल्सो करेक्टेड. अब देखो ये जितने भी फिगर्स बने हुए हैं, इनमें से एक फिगर ऐसा है जो गड़बड़ है, जो इस रूल, इस नियम को क्या कर रहा है? खराब कर रहा है, मतलब जो इन पैटर्न्स को खराब कर रहा है. अब देखो सबसे पहले टॉप में ये डॉट है. यस सर. अब यहाँ आ गए, कितनी डिग्री पे घुमाई? 180. फिर ये 180, फिर ये 180, फिर ये 180, और ये वैसे ही. इसका मतलब ये क्या है? रॉन्ग है. क्लियर है? अब देखो ये छतरी देखो, अब ये क्लॉकवाइज घूम रहा था, एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज. ठीक है. अब देखो ये छतरी है, ये छतरी अभी इधर है. yes, अब ये यहाँ गई, कितनी डिग्री पे घूमी? 90 पे घूमी. 90 कैसे? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज. फिर 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, और यहाँ पर क्या है? 30 डिग्री घुमा. नहीं, ये 90 डिग्री घुमा लेकिन कहाँ घूम गया फिर ये? एंटी क्लॉक. एंटी क्लॉक घूम गया ना, जबकि जब हम घूम कैसा रहा था? क्लॉकवाइज घूम रहा था. देखो ये फिर यहीं कहीं आ गया ना, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है? ये गड़बड़ है. अब देखो ये घुमा, यहाँ पे घुमा? नो. यहाँ पर घूम गया, जबकि घूमना नहीं चाहिए था ये तो, क्योंकि सारा ऐसा पैटर्न है जिसमें कि कहीं भी कोई भी रोटेशन है ही नहीं. तो ये क्या है? रॉन्ग. अब देखो जी ये देखो, ब्लू 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 ब्लू, येलो येलो येलो. ठीक है. अब देखो इसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है और फिर एक ट्रायंगल बना हुआ है. इसके अंदर भी एक सर्कल और ट्रायंगल बना हुआ है, सर्कल और ट्रायंगल बना हुआ है, सर्कल और ट्रायंगल बना हुआ है. इसका मतलब इसमें कहीं भी कोई गड़बड़ नहीं. अब देखो ये ट्रायंगल बना हुआ, फिर सर्कल बना हुआ, और उसके अंदर ये क्या बना हुआ? स्क्वायर बोल सकते हैं, या जब ऐसा ही फिगर होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? चलो स्क्वायर ही मान लेते हैं, ये स्क्वायर है. ठीक है. अब देखो यहाँ पे पहले ट्रायंगल बना हुआ, फिर सर्कल की जगह क्या बन गया? ये स्क्वायर. जबकि बनना क्या चाहिए था? सर्कल. इसका मतलब यहाँ पे से क्या हो रहा है? ये गड़बड़. गड़बड़. क्लियर है? यस सर. कि नहीं है? यस सर.